जैसा कि आपको पता है कि आज पार्लियामेंट में दादरा नगर हवेली और दमन दीव के सांसद के द्वारा आज हमने मुद्दा उठाया कि दमन दीव में असेंबली दी जाए, क्योंकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली जब से आज़ाद हुए हैं तब से राष्ट्रपति शासन में जी रहे हैं। आज ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं और दमन दीव की जो चुनी हुई पांखें हैं उनकी सारी सत्ता ब्यूरोक्रेट्स के पास है। आज हमारे यहाँ पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, सारी की सारी स्वराज्य संस्था है, पावरलेस। तो ऐसे में आज हमारे दोनों सांसदों द्वारा, मैंने भी और कला बहन ने भी, भारतीय लोकसभा में हमने आवाज़ उठाई है और दमन दीव को एक असेंबली देने की मांग की है। साथ में स्वराज्य संस्थाएं, पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर पालिका को पावर देने की भी बात कही है। साथ में दमन और दीव और दादरा नगर हवेली की जो मूलभूत समस्या है उनको भी उठाया है और तुरंत से उस समस्याओं के समाधान के लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। आज जो वक्तव्य था वो सेम क्वेश्चन था, तो पार्लियामेंट में आज कलाबेन डेलकर जी ने वक्तव्य दिया और मैंने पटल पर मेरा जो समर्थन है वो मैंने पटल पे रखा। तो इस प्रकार से आज जॉइंट हमारा निवेदन था कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक असेंबली दी जाए और दमन दीव में स्वराज्य, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में जो भी स्वराज्य संस्था है उनको पावर दी जाए ताकि बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधाएं मिल सके और दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके।